गोली अपनी भाभी से कहो कि दरवाजे पर खड़े रहने से अनु जल्दी वापस नहीं आ जाएगा। जाओ उसे लेके आओ। जी भैया। अंदर चलो। अंदर कैसे जा सकते हैं? हम इंतजार करें, हमारा अनु आएगा, आएगा ना हमारा अनु। अगर अनु आ रहा होता तो अंकित और गोलू को पता क्या आता ना? नहीं नहीं ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, हमारा अनु आ जाएगा। हम सबसे इसीलिए कह रहे थे उसको मगन मारी मुंबई में ना भेजो हमारे बिटवा को, उसका जान मुसीबत में अटका है। कौन देखेगा उसको? भाभी चलिए अंदर, भैया बुला रहे, चलिए 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 चलिए। सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। काजी, ऐसा माहौल में नींद आएगा। अरे चिंता मत करो, अनु लौट आएगा। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर सावित्री अपने सत्यवान को मौत के मुंह से खींच लाएगी। बोली बेटा, आकृति को फोन लगाओ। जी बड़े भैया। जी बुआ। आकृति बेटा, अनु का पता चला कि नहीं? नहीं बुआ, पुलिस ने वो ड्राइवर से पूछताछ किया है लेकिन उसे भी नहीं पता। किस्मत भी जैसे तेरे हाथ धोकर पीछे पड़ी है, जब से तेरी शादी हुई है तुझे खुशी नहीं देखा। पहले ही इतना झेल चुकी हो और अब ये। बेटा अंकित और गोलू तुम्हारे साथ है ना? नहीं बुआ, यहाँ पे भी वो लोग मेरा साथ नहीं बल्कि उस लड़की का साथ दे रहे हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वो दोनों तुम्हारे साथ नहीं है? यहाँ पे तो पुलिस भी उसी की बातों पे यकीन कर रहे हैं, जैसे कि अनुभव की पत्नी मैं नहीं वो है। अच्छा बेटा तुम कहाँ हो अभी? बुआ मैं दूसरे होटल में रुकी हूँ, बिल्कुल अकेली। ऐसा मत कहो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ। देखो तुम्हें जरा हिम्मत रखनी होगी। हाँ बेटा, और अनु को ढूंढना होगा, और भगवान ने चाहा ना तो हमारा अनु सही सलामत एक बार फिर घर लौट आएगा। बेटा तुम अपने आप को अकेला मत समझो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो हम वहां चले आएंगे तुम्हारे पास। थैंक यू बुआ, मुझे अनुभव के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको फोन करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। एक बार अनुभव वापस आ जाए, उसके बाद मैं गुनगुन को जेल नहीं भिजवाया तो मेरा भी नाम आकृति नहीं। पूरा शहर छान मारो, बाहर जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी लो। मुझे सुबह तक वो ट्रक और उस ट्रक ड्राइवर की पूरी डिटेल चाहिए। यस सर। हाँ पटेल बोलो। ठीक है। जी सर, अनुभव के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? गुनगुन बेटा, रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे पहचान पाना मुश्किल है। हमेशा के बेटा कि वो बॉडी अनुभव की हो सकती है,
क्या तुम सिटी हॉस्पिटल आकर उस बॉडी की शिनाख्त कर सकती हो? जी क्या क्या कहा उन्होंने? पुलिस ने कहा है कि रेलवे ट्रैक के पास कोई कोई बॉडी मिली है जो बहुत बुरी हालत में है, जो पहचान पाना मुश्किल है। पुलिस को लग रहा है कि वो पुलिस को लग रहा है कि वो अनुभव है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस उसे आइडेंटिफाई करने के लिए सिटी हॉस्पिटल जाना है। उन्हें लग रहा है ना, उन्हें शक है, वो अनु नहीं हो सकता। नहीं, अनु नहीं हो सकता वो। अगर पुलिस वाले बॉडी नहीं पहचान पा रहे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? गुनगुन बेटा, बॉडी बहुत ज्यादा डिमेज है। हमारा अनु नहीं रहा। गोलू, हमें पूरी बात बता, तू कैसे कह सकता कि वो हमारा अनु है? अनु की अंगूठी। मुंबई सिग्नेचर कर दीजिए, मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजनी है। क्या हुआ? अनुभव इस दुनिया में नहीं रहा। क्या
ये सब तुम्हारी और तुम्हारी भतीजी की वजह से हुआ है। तुम दोनों की वजह से मेरी मेरी बेटी विधवा हो गई। मैं उस गुंगुन को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा उसको। बस कीजिए, बस कीजिए। किसी का बेटा मरा है और आपको आपको लड़ाई सूझ रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे बहुत अफसोस, हमने देश के एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट को खो दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जल्दी असल वजह सामने आ जाएगी, उसके बाद बॉडी को लखनऊ भेज देना। संभालिए। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।